जय भारत। आज हम आए हैं मूसेवाला दी हट्टी। ये नाम है मूसेवाला दी हट्टी, ये है दशरथपुरी में। और ये जो जगह है, मैंने भैया से बात की तो वो बता रहे हैं कि उनको ट्रिब्यूट देने के उससे हमने उनकी याद में ये नाम रखा है। तो बहुत ही क्रिएटिव सा इन्होंने बनाया है और हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। लेट्स कम इनसाइड एंड लेट्स वॉच कि क्या है, कैसे है। तो प्लीज़ आइए। थैंक यू। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। छोटा सा है, प्यारा सा रेस्टोरेंट है। और देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यू आर व्हाट यू ईट। ये इन्होंने लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या खाते हैं, अगर आप बर्गर्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो आप क्या बनेंगे, यू आर व्हाट यू ईट। यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे लिखा है, फील द फूड, लव एट फर्स्ट बाइट। आपको खाने से प्यार है तभी होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा लुक है इनका। सो दिस इज सिद्धू मूसेवाला। और वो देखिए बड़ा प्यारा सा पोस्टर है ये वाला इनका। तो मेरे को लग रहा है बहुत बड़े फ़ैन हैं। फ़ैन तो वैसे पूरे देश ही फ़ैन है इनका। इनके गाने इतने अच्छे हैं, बट इनका ये वाला लुक मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो फेडेड सा फोटोग्राफ है, मेरे को बहुत अच्छी लगी फोटोग्राफ। सो मतलब छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है ये, और दशरथपुरी जैसे एरिया में है तो एक अलग ही चीज़ है। तो सिद्धू मूसेवाला के गाने मैं भी सुनता हूँ वैसे। और अभी हमने ऑर्डर किया यहाँ पे पनीर कुरकुरे मोमोज और सिंगापुरी चाउमीन। सो दैट वी आर गोइंग टू हैव। ये कुरकुरे मोमोज आ रहे हैं? हाँ, हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर किया और लेट्स सी कि अभी टेस्ट कैसा है इनका। अगर टेस्ट अच्छा हो तो हम दोबारा आगे भी शूट करेंगे और देखते हैं आपकी क्या है यहाँ पे लुक। सो दिस इज़ इट, प्लीज़ कम नाउ, वी विल हैव। इनका बॉल भी बड़ा अट्रैक्टिव सा है, एक क्रिएटिव सा बॉल है। सो ये है सिंगापुरी चाउमीन। सिंगापुरी वैसे हमारे वहाँ जो मिलती है वो ऑरेंज टाइप की मिलती है, और इसमें पनीर है, इसमें हरा प्याज है, इसमें पत्ते भी हैं और थोड़ी स्पाइसी सी लग रही है देखने में। दिस विल हैव नाउ। बड़ी गर्म है। सो लेट्स हैव सिंगापुर चाउमीन। और क्रिस्पी टाइप की चाउमीन है। मीन खड़ी खड़ी चाउमीन होती है ना, जैसे ड्राई चाउमीन है, और बड़ा टेस्ट डिफरेंट है इसका, अलग ही टेस्ट है। तो हरे प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमने दिखाया था आपको दशरथपुरी में राम जी के छोले भटूरे और राम जी की भेड़ी पूड़ी, जो कि बिना प्याज लहसुन के बनती है, वो साथ वाली शॉप ही है इनकी। और इस साइड ये सिद्धू मूसेवाला है। तो आपको कभी भी आना हो तो आप यहाँ पे यू कैन हैव दीज थिंग्स। हाँ, तो भैया आप बता रहे थे। ओके, तो भैया आ रहे हैं दोनों। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये भी यहाँ पे भी खा सकते हैं और वहाँ पे भी, दोनों जगह साथ साथ है। तो आप कहते हैं यहाँ का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। पत्ता गोभी है इसमें, हरा प्याज है, पनीर है, और मसाले कम हैं। जैसे अजीनोमोटो के लोग ना बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, हमें वो चीज़ नहीं है। टेस्ट अलग ही है यहाँ का, बट टेस्टी है। उन्होंने एक बात आप बताएं, जैसा प्योर वेज है अगर, तो ये लोग वेज और नॉन वेज अलग अलग बनाते हैं। नॉन वेज इस साइड है, वेज इस साइड है। कह रहे हैं कि फिश भी अलग अलग है, बर्तन सारे अलग अलग हैं, यानी दो पार्टनर्स हैं। ऐसे उन्होंने बताया कि दे आर टू पार्टनर्स और ये काम कर रहे हैं।
और बुकिंग का लुक बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, खाना बहुत टेस्टी है और रिजनेबल प्राइस है। दिस बॉल इज़ फॉर 110 ओनली। 110 में मुझे लगता है बाहर की जो बसेज होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पे भी 110 का नहीं मिलता। 110 में अगर इतनी क्वान्टिटी मिल रही है रेस्टोरेंट के अंदर, दैट इज़ वर्थ टू। प्राइस इनका रीज़नेबल और खाना टेस्टी है और हाइजीनिक और टेस्टी है, अच्छे से बना रहे हैं। मैंने चेक किया था अभी, तो सफाई से बना रहे हैं और गाजर भी है इसमें, तो खाना टेस्टी बना रहे हैं ये लोग। और हम वेट कर रहे हैं कुरकुरे मोमोज का, कुरकुरे पनीर मोमोज जो कि मेरे फेवरेट हैं। और मैं देखते हैं वो कैसे, वैसे बाहर खाता नहीं हूँ, बट लेट्स हैव कुरकुरे मोमोज ऑल्सो। एंड मेरे फेवरेट हैं वैसे कुरकुरे, मैं नॉर्मल मोमोज नहीं खाता, नॉर्मल पनीर मोमोज वो ना बड़ा मतलब उसका मैदा है ना वो कच्चा कच्चा होता है, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, वो मुझे बड़ा लिस्ट सा लगता है वो। मैं मोमोज की बुराई नहीं कर रहा, बट कुरकुरे मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं घर में कुरकुरे मोमोज आते हैं तो बहुत मैं उसमें खाता हूँ, एक दो पीस मैं खा लेता हूँ, बाकी नॉर्मल मोमोज मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरी पर्सनल चॉइस है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, वो कच्चा मैदा होता है। आपको अगर आप नॉर्मल मोमोज मंगा रहे हो ना घर में, मेरे को लगता है आप उनको ना फ्राई करके खाओ, उसमें वो जो मैदा होता है वो पक जाता है, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब उसको पका के खाएंगे ना तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। कच्चा मैदा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम मैदा ही कोई भी फॉर्म खाते हैं, तो मैगी में भी खाते हैं, तो वो हम उबाल के खाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जो है ना स्टीम में बिल्कुल उसका टेस्ट ना वैसा सा आता है कि मतलब बिल्कुल कच्ची चीज़ ही खा रहे हो आप। मैदा कच्चा नहीं खाना चाहिए कोई भी, अब उसको फ्राई करके खा लो अगर आप खाना चाहते हो मोमोज को, तो फ्राई करके यू कैन हैव दैट। सो अभी आ रहे हैं कुरकुरे मोमोज। दिस इज कुरकुरे मोमोज और इसका मेरे को टेस्ट बहुत मेरे को लग रहा है अच्छा होगा। सो लुक एट दिस, बहुत बहुत यमी लग रहा है, क्योंकि इसमें ये हरे पत्ते भी हैं और पनीर बड़ा भर के डाला है और इसका लुक बड़ा ही डिफरेंट है। सो दिस इज़ आई मीन लाइक बैठ जाओ, दिस इज़ वेरी टेस्टी। वैसे मैं चटनी प्रेफर नहीं करता, मैं ऐसे ही खाता हूँ कुरकुरे मोमोज। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी है। आई मीन यहाँ का ना ये जो लाइट लाइट सा लुक है ना, क्योंकि इसमें जो कुरकुरा डाला ना ऊपर से वो कम डाला है, क्योंकि जो सुभाष नगर जो हरिनगर में जो कुरकुरा बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा भर के डाल देते हैं ऊपर ना, इन्होंने फिलिंग कम डाला तो वो अच्छा लग रहा है और पनीर का टेस्ट निकल के आ रहा है, वो चीज़ बहुत ही अच्छी है इनकी। इट्स वेरी टेस्टी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आओ ये खा के देखो। कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, तो ये यहाँ पे पत्ते की सिस्टम है वो समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेस्टी है। तो चाउमीन भी बहुत टेस्टी है, मोमोज भी बहुत टेस्टी है, सो आई गिव देम फुल मार्क्स। प्राइस रीजनेबल है, खाना बहुत टेस्टी है, यू कैन हैव हियर, यू कैन कम हियर एंड यू कैन हैव। बहुत ही अच्छा खाना है इनका, जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है वैसा नहीं है, बहुत टेस्टी बनाया है इन्होंने। और चाउमीन मेरे को लग रहा था कि अच्छी नहीं होगी, लेकिन चाउमीन का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ इट, सो नाउ मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। सो टेस्ट बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ आइएगा और यहाँ पे खाइएगा। रामा के छोले भटूरे वहाँ पे ये भी है और यहाँ पे भी, दोनों पे आइएगा प्लीज़। थैंक यू।